अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। आज मैं आपको जी अपना बिल्कुल एक पूरा कामयाब तरीन पेड़ जो मेरे केज में पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलें आपके साथ आज वो शेयर करता हूँ। और आपने इस पेड़ के जो बच्चे की मैंने आपके साथ परवाज़ें भी शेयर की थी, ये मेरा 49 नंबर जो पेड़ है ये वो है जी। और ये मेरा बड़ा कामयाब तरीन जो है पेड़ है, शाम तक की परवाज़ें माशाल्लाह से इसके बच्चे की। और शाम तक की क्या, हर प्रवाज ही शाम की है, कभी पहले टाइमों में तो बैठा ही नहीं है, प्रवाज छोड़ के नहीं आते इसके बच्चे। ये क्वालिटी है, मतलब कि हर फिरत जो है वो चार के बाद की है। ये घंटा ऊपर घंटा नीचे होता है, मतलब कि कभी 6 बजे बैठ गए, कभी 5 बजे बैठ गए, ये इनका सीन है। और ये नहीं है कि 4 से पहले बैठ गए हों, कभी वो चक्कर ही नहीं है। जो मर्जी गर्मी आ जाए, आंधी तूफ़ान, और मतलब के तूफ़ानों के अंदर भी घर आते हैं, तो इतनी अकलें हैं। और काली आँख के बच्चे निकलते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वहाँ से वो जो पट्टी हमारी माशाल्लाह से उड़ रही है, ठीक है। तो ये पेड़ है और 49 नंबर। मैं कहा चलो मैं आपको इसका शो करवाता हूँ, पहले आपको मैं मादी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको नर दिखाता हूँ, और देखिएगा कि ये जोड़ा कैसा लगा हुआ है। तो क्योंकि इसका मेरे पास रिज़ल्ट है भाई, सिंपल सी बात है कि रिज़ल्ट है इनका, मैं आपको ज़रा इसका शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको ये क्या चीज़ें हैं जी। दोस्तों ये जो है ये मादी है, और मादी का सबसे पहले तो आप कलर वगैरह देख लें। आप इसको आपने जो कहना कह लें, कई इसको मिसी कहेंगे, कई इसको डब वाला कहेंगे, कई इसको लाल परी कहेंगे, जिसका जो दिल करता है जिसको कह सकता है, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। अभी भी बच्चे पाल रही है, जिसका जो दिल करता है इसको कह लें, ठीक है। ये बीच में लाल आँखों के बच्चे भी निकालते हैं, बीच में काली आँखों के बच्चे भी निकालते हैं। और काली आंखों का बच्चा भी मैंने उड़ा के जो है देखा, लाल आंखों का बच्चा भी मैंने उड़ा के देखा, दोनों का रिजल्ट सेम है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये इसकी आंख है, मैं कह रहा आपको आज आंख जो है इसकी बहुत ही शानदार। अभी ये देख लें, अभी ये छाँव है, बिल्कुल छाँव के अंदर मैं कैमरे के सामने रख के इसकी आँख का वो आपको दिखा रहा हूँ। और अगर धूप हो तो फिर तो ये बिल्कुल बारीक कोका अपना कर जाती है, ठीक है। ये एक अच्छे कबूतर की आँख है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। और मज़े की बात यह, इनके बच्चे ज़ाया नहीं होते, माशाल्लाह से अकल वाले बच्चे होते हैं। इसके बच्चे का रिकॉर्ड है जी 5-5 दिन बाद वापस है। वो जो काली आंखों वाली हमारी, वो एक बार 2 दिन के बाद वापस आई थी, एक बार हमारी वो 3 दिन के बाद वापस आई थी, और एक दिन वो 5 दिन बाद वापस आई थी। उसकी 3 ऐसी फड़के हैं कि वो जो है शुरू के अंदर जब बच्चा था उनके 5 दिन रुला था, और 5 दिन बाद वो वापस घर आया था, इस कदर उनमें अकलें। और आके बेचारा बुरी हालत में छत पे बैठा हुआ था, तो माशाल्लाह उसके बाद फिर ऐसा सीधा हुआ कि शाम से नीचे की परवाज ही कोई नहीं है। और ये आप इसके पर देखें, बड़ा कामयाब तरीन मेरा ये रिजल्टेड पेयर है, वन ऑफ द बेस्ट पेयर इन माई केज। मैं इनको अपने टॉप के जो पेयर हैं उनमें रैंक करता हूँ। बट अभी मैंने इस पेयर को चेंज करना है, वो मैंने एक जो है नर मंगवाया है, परचेज किया, आपको मैं दिखाऊंगा वो भी किसी दिन, वो लगाऊंगा इसके साथ। ये देखें ये इस मादी का जो है पर, इतने कोई लेंथी परों के अंदर नहीं, छोटे परों के अंदर सारे पल्ले काले से हैं, ठीक है। आखिरी जो देख लें, ये कलियां ख़राब हुई हैं, कलियां वहाँ से यहाँ से देखें ख़राब हैं, बस 9वीं बड़ी है, 10वीं छोटी है, बाकी ये इसका पूरा पल्ला। और हाथ में आके इन्होंने एक ना, हाथ में आते हैं एक लहदा फील आती है कबूतर को पकड़ के, एक ऐसा इनका बॉडी स्ट्रक्चर है कि हाथ में आके एक लहदा फील आपको महसूस होती है। बाकी ये दूसरी साइड का पल है, ये पर आप दूसरी साइड का देख सकते हैं, ये देखें टेल, वन टेल के अंदर है, ये इनकी टेल है, 2 पत्ते की तकरीबन इनकी जो है वो टेल होती है, ठीक है। और हड्डी परफेक्ट, जोड़ इसके अभी भी बंद है, अंडे दे 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 के भी अभी भी बंद है। और ये इसके पंजे, पंजे आप देख सकते हैं नीचे से सफ़ेद है ये सारा, ये इसके पंजे हैं, ये देखें। इसके बच्चे के भी मज़े की बात तो ये, इसके बच्चे के भी ये नाखून नहीं है, ये एक जो बच्चे को बहरी नहीं मारा था जिसको मैंने टांके लगाए थे, वो भी इसी का बच्चा है ना, 49 नंबर, वो लाल आँखों में जो निकलते हैं, ये देखें ये 49 नंबर कड़ी डली हुई है। ये माशाल्लाह से मेरा बड़ा रिजल्टेड पेयर, इसका मैं अब आपको जो है साथ जो मेल लगाया वो ला के दिखाता हूँ उसका क्या सीन है। ये नर है जी जो के साथ में लगा हुआ काली आंखों के, इसका बाप भी मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बल्कि इसका बाप दिखाता हूँ, पहले इसका बच्चा दिखाता हूँ फिर इसका बाप दिखाता हूँ। इसका बाप भी मेरे पास है, मेरे अपने घर के माशाल्लाह से ब्रीड है, बनाई हुई है, कुछ अपनी अमेंडमेंट है मेरी, उसकी वजह से ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखें बंद आँखों का नर, अब आपने इस नस्ल को जो नाम देना दे लें,
जो लोग कहते हैं क्रॉसों में बच्चे नहीं उठते, आगे से उनके बच्चे नहीं उठते, सब गपशप है भाई। क्रॉस क्रूस क्या होता है, रोटी तो है ही कुछ नहीं, हर चीज़ क्रॉस से ही बनी हुई है। ये इसकी आँखें बंद आँखें, इस टाइम ये भी बच्चे पाल रहा है माशाल्लाह से, ये देख लें। और अच्छा मज़े की बात बताऊँ आपको, ये भारी जिस्म का कबूतर है, हल्का कबूतर नहीं है, थोड़ा सा भारी वेटर कबूतर है, और मादी उतनी ही लाइट वेट है, हाथ में ऐसे लगता कुछ है ही नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा भारी कबूतर है, और अब वो बातें कहाँ पे गई जो कहते हैं जी जोड़ खुले हुए हो तो कबूतर बच्चे नहीं उड़ाता। इसके जोड़ खुले हुए हैं मेरे भाई, इसके जोड़ खुले हुए हैं, और इसके बच्चे की शाम से पहले की परवाज़ नहीं है, कोई खुराक शुराक नहीं, सिर्फ सिंपल बाजरा, बाजरा और रोटी के भोरे, ये दो चीज़ें, ठीक है, और शाम की परवाज़ें। और माशाल्लाह से लाइटों के भी ऐसे, अच्छा एक और बात जो कहते हैं काली आँख का कबूतर लाइट में नहीं बैठता, वो भी गपशप ही है। माशाल्लाह से इसका बच्चा जो है वो लाइटों में बैठता है, और मज़े की बात इनकी ये है पूरा दिन इन्होंने आसमान में रहना है, जब इन्होंने बैठना है ना उससे 15 से 12 मिनट पहले ही निकलना है, निकलना है ऊपर शो होना है, शो होना है तो आराम से आकर उन्होंने 10-15 मिनट के अंदर घर बैठ जाना, जो सबसे मज़े की बात है। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि नहीं तो कबूतर जो है ना वो अक्सर दिन को जब निकल है ना ऊपर नीचे होता रहे, बैरी बाज के चक्कर में मारा जाता है कबूतर, कबूतर बंद रहा कि उड़े बैरी बाज के हाथ नहीं आता, और जो कबूतर खुब के उड़ता वही अच्छी परवाज़ देता है, वही शाम तक की परवाज़ देता है। तो अब ये देख लें, ये वेटर कबूतर भी है, इसके हल्के से जोड़ भी खुले हुए हैं, ठीक है, सियालकोटी काली आँखों के, तो बच्चा उड़ाता है भाई शाम तक। अब वो सारी बातें कहाँ गई मुझे बता दें, ठीक है, वो सारी उस्तादों की हमें चोचले ही हैं। अब ये देखें, ये इसका पर है, पर आप देखें, कबूतर की असल चीज़ होती है पर, अगर कबूतर का पर अच्छा लगा हुआ ना उड़ना ही उड़ना मेरे भाई, कोई दो राय नहीं। अब ये देखें, अब इसके अभी परों की चलाई देखें बाहर को, किस तरह को जो है खंजर, ये देखें किस तरह को खंजर निकले हैं भाई। अब ये पर नहीं उड़ेगा तो मुझे बता दें कौन सा उड़े, इसने उड़ाना ही उड़ाना बच्चा, इसको जिसके साथ मर्दी पेल लो। मादी भी उतनी बड़ी लगाई हुई है, नर भी फिर आपको पता उस तरह ही लगाया। अब ये देखें, ये पर है, ये क्लियर का होता है थोड़ा, ये ले, ये क्लियर हो गया। अब ये देखें पर, एक बीच में ये आया हुआ, अब ये देख लें पर, इसमें भी सिलाई आई हुई है, ठीक है। और ये बन टेल है इसकी जी, ये देख लें, बिल्कुल बन टेल आपके सामने, मादी की 2 पत्ते की टेल थी, इसकी 1 पत्ते की टेल है, देखिए खोलता भी नहीं है, ठीक है। और ये अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये पेयर जो है मेरे एक दोस्त लगवा के गए थे, और मेरा तो कुछ और लगाने का इरादा था, बट वो ज़बरदस्ती लगवा के गए थे, वो कहते थे नहीं ये पेयर लगाना, ठीक है, ये उनकी पसंद का लगा हुआ। ये देखें, ये इसके पंजे हैं बिल्कुल खुश्क, कितने खुश्क पंजे, और देखें इसने ऐसे किए हैं पंजे, ये देखें आपके सामने है, ये देखें ऐसे किए हैं मैंने पंजे, अंदर लेके जाता है ये देखें, ये किया मैं नीचे को नहीं लाता, ठीक है। तो ये कबूतर है जी माशाल्लाह से, और आपको मैं अब इसका पहले बच्चा ला के दिखाता हूँ, फिर इसका बाप ला के दिखाता हूँ आपको। लें दोस्तों, ये है, ये रोकी है, और मैंने ये बच्चा जोड़ों के लिए रोक लिया था, इसको कहीं से नहीं निकाला, क्योंकि वहाँ पर इसकी जो बहनें दोनों इतनी अच्छी, अच्छा मज़े की बात बताऊँ आपको, इसने आज तक पट्ठा नहीं निकाला, इस जोड़े ने जो भी निकली है पट्ठी निकली है, पट्ठा अभी तक नहीं इसने हमको दिया, जितने बच्चे भी हैं सारी मादियाँ, सब मादियाँ दी हैं इस जोड़े ने हमें। और इसको भी पकड़ के जो फील आती है ना, बाप को पकड़ने वाली फील नहीं आती, इसको फील पकड़ के वही आती है जो इसकी माँ की फील है, ठीक है। बाकी इसने कलर जो है आप देख लें, कलर है कितना खूबसूरत सा कलर निकला, गाटा शाटा बना गई है। चलो इसका मैं आपको पहले पर दिखाता हूँ, 9वीं कली भी आ गई है, ये देखें अब ये इसके पर हैं माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं सिलाइयाँ परों के अंदर इसमें, क्योंकि इसने दोनों के जीन्स कैरी की है ना, ये इसके पैर हैं एक साइड के, अब इंशाल्लाह इसको मैं ब्रेड में लेके जाऊंगा, ये दूसरी साइड के पैर हैं, टेल खुली हुई टेल है भाई, ये देख लें 2 पत्ते की टेल जो होती है ना वो होती है, जिस तरह की इसकी माँ की टेल है। और ये देख लें पंजे, देख लें इसके खुश्क पंजे, खुश्क तरीन पंजे हैं इनके, हड्डी बेहतरीन, जोड़ हल्के से खुले हुए बाप की तरह, जिस तरह के बाप के हल्के से खुले हुए ना जोड़, उस तरह खुले हुए। बाकी ये देख लें पंजे काफ़ी खुश्क, 49 नंबर की कड़ी डली हुई, और वेट इसका नहीं है भाई, वेटर नहीं है ये मादी, बाप का वेट है पर क्योंकि बैलेंस की है ना हमने लगा के, वेट नहीं है। बाकी अब मैं आपको इसकी आँख दिखाता हूँ, अब इसकी आँख देखिएगा, ये देखें ये इसकी आँख है, और ये देखें माथा सफ़ेद है, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, केज में खड़े हुए भी ना एक लैदा फील आती है इनको देख के, एक लैदा चीज़ ही नज़र आती है,
ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये बढ़ाऊँगा बनाऊँगा और मैं काफ़ी सारे बना लूँगा ऐसे इंशाल्लाह ताला। मेरे पास एक पूरी ये लाइन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और मैं अब आपको जो है ना टक 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 की बातें शायद आपको आ रही हों वीडियो के अंदर भी, ये देखें। तो मैं अब आपको जो है उसका बाप ला के दिखाता हूँ। ले दोस्तों, ये कबूतर है और ये कबूतर जो है उसका बाप है जी। ये अपनी जो है मेकिंग है हमारी, ठीक है। ये कलर देख लें इसका, बटेरी मादी लगी थी और वो बच्चा निकला था, बट वो अल्लाह के हुक्म से जी वो बटेरी मादी में से एक्सपायर हो गई भी है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाता। वो पिछले साल मर गई थी। अभी ये भी बच्चे पाल रहा है, अभी और फीमेल का साथ लगा हुआ और बच्चे पाल रहा है, ठीक है। ये बटेरा कबूतर इसको कहेंगे मेरा ख्याल से, बटेरों में से ही है। मैं आपको ज़रा इसकी आँख वगैरह दिखाता हूँ। ये देखें बच्चे पाल रहे हैं इस टाइम, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सिस्टम चल रहा है हमारा। ये ब्रीड तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हो रही है। ये देखें ये इसकी आंख है जी, इस नर की आंख देखें आप, ये नर की आंख है आपके सामने। उसमें जाली है, जर्रे हैं, रिंग हैं, हर चीज़ है आँख के अंदर। एक मुकम्मल आँख जो है ना वो है, ठीक है। और बरीक जो है, अच्छा ये कबूतर भी बड़ा मरते मरते बच्चा है, सजदे में चला गया था ये पूरा। ऐसे लगता था सुबह दवाई देते थे लगता था शाम को मर जाएगा, शाम को दवाई देते थे लगता था सुबह मर जाएगा। गर्दन ऐसे नीचे को फेंकी हुई, पर ऐसे खुले हुए, और एक हफ्ता इस कंडीशन में रहा था। और इसको हाथ से जो दाना खिलाना, दाना तो नहीं फीड ही खिलाते थे, ठीक है, और दवाई देनी, और बड़ा इसके ऊपर मेहनत की, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गया, ठीक है। मेहनत होती है कबूतर में, मेहनत की जाए तो कबूतर बच जाता है जी। ये देखें अब ये इसके पार हैं, अब इसके बच्चे के पार जो हैं वो जो मैंने आपको दिखाया वो इस पे गए हैं, ठीक है। सेम इसके परों का स्ट्रक्चर आपको जो है नज़र आ रहा होगा। ये देखें पर वाइब्रेट कर रहा है, आपको पता नहीं वीडियो में, ये देख लें आपके सामने, ये देखें पर वाइब्रेट कर रहा। ये है इसका कुंदा पूरा, मैं कहा पूरा खोल लूँ। अच्छा थोड़े सख्त जो हैं कुंदे हैं इनके। ये है इसका दूसरी साइड का कुंदा, गल गए हैं पर भी, पर पुराने हो गए हैं, कोई नहीं क्रीज कर रहा है, नहीं निकाल रहा, जब पूरे हो जाएंगे। ये बाकी इसकी टेल है, टेल आपके सामने बिल्कुल बंद, हड्डी परफेक्ट, जोड़ इसके भी हल्के से खुले हुए हैं जिस तरह के इसके बच्चे के खुले हुए हैं, ठीक है। बट ये है भाई हमारा ये कामयाब तरीन जोड़ा है, ये अब सफ़ेद नाखनों के अंदर है। अब ये इसके पंजे हैं देख लें, हड्डी बेहतरीन, जोड़ बेहतरीन। इसको इस टाइम कौन सी कड़ी पड़ी हुई है जी, 9 नंबर कड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी बच्चे पाल रहे हैं इंशाल्लाह, इसके अब ये जो न्यू जनरेशन आएगी वो भी उड़ा के देखेंगे वो क्या करती है। तो ये जो है मेरा एक बड़ा कामयाब तरीन पेयर, मेरे बड़े कामयाब तरीन कबूतर आपके साथ मैंने पहले शेयर ही नहीं किया। मैं कहा चलो आज जो अपना पुराने पेयर हैं मेरे, दो दो साल पेयर, तीन तीन साल पेयर जो मेरे पास कबूतर पड़े हुए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ।